नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। मई के महीने की शुरुआत हो चुकी है और देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन कर चुके हैं। देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन से कुछ घंटों पहले और मई के महीने की शुरुआत से कुछ घंटों पहले मैंने एक लाइव सेशन किया था YouTube पर, जिसमें मैंने आप सभी को एक्सप्लेन किया था कि मई 2024 का ये महीना कैसा जाने वाला है, कौन कौन सी तारीख बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी, कौन कौन से ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं और उनका देश और दुनिया पर किस तरह से प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा, किस तरह का घटनाक्रम हमें देखने को मिल सकता है, इसके बारे में मैंने आप सभी को जानकारी दी थी। छोटी सी क्लिप में आपको दिखा रहा हूं, आप इसे एक बार देखिए, इसके बाद हम आगे बात करते हैं। ये सारी फ्रीक्वेंसीज जो है ये देवगुरु बृहस्पति के साथ बुधदेव यहां पर बताते हुए नजर आते हैं। प्लस बुधदेव एक चीज और कहते हैं कि असंतोष बना रहेगा, अविश्वास की भावनाएं बनी रहेंगी, इस वजह से बहुत सोच समझ कर कार्य करना जरूरी है और बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ना जरूरी है। इसी वजह से इस समय को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समय माना जाता है और ये 10 दिन शुरुआत के और उसके बाद का पूरा महीना देवगुरु बृहस्पति की चाल के बाद और बुधदेव की चाल के बाद काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रिजल्ट देने वाला बन जाता है। और ये इंटरेस्टिंग रिजल्ट में मैं जरूर कहूंगा कि मार्केट में काम करने वालों के लिए तो काफी ज्यादा हलचल रहेगी। इनिशियली शुरुआत के 10 दिन की अगर मैं बात करूं, 1 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक के बीच का जो समय रहेगा ये बच्चों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा समय नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बच्चों को लेकर के किसी न किसी तरह की कोई कोई परेशानी आ सकती है, ये बिल्कुल बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन यहां पर बनते हैं। और बच्चों के साथ साथ ही ये समय किसी तरह की लूटपाट का भी समय दिखाई देता है और लोगों के नुकसान का भी समय दिखाई देता है। तो शुरुआत के 10 दिन में अपने आसपास के चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ट्रैवल करते समय बच्चों का विशेषकर ध्यान रखिएगा। और उसके इस वीडियो को अगर आप पूरा देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे क्लिक कर लीजिए या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, जाकर के इस वीडियो को आप पूरा देख लीजिएगा। इस वीडियो में मैंने कई सारी चीजें एक्सप्लेन करी हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने बताई हैं और किस तरह की इंटेंसिटी के साथ क्या क्या हो सकता है वो सारी इंफॉर्मेशन मैंने इसमें दी दी है। देखिए, मई का महीना शुरू होते ही एक न्यूज हमें देखने को मिली। सुबह सुबह बच्चों के स्कूल में बॉम्ब की खबर ने पूरे देश में पैनिक क्रिएट किया और आप सभी ने भी मेरे पास कई सारे मैसेज भेज दिए और आपके सवाल जो थे कि क्या वाकई में कोई बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है, क्या वाकई में बच्चों को कोई बहुत बड़ी परेशानी होने वाली है या कोई खराब स्थिति हमारे देश में आएगी या किस तरह से समय रहेगा, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए। देखिए, हर एक चीज को कैलकुलेट करने में थोड़ा सा समय लगता है, इसीलिए सुबह के सवाल का आंसर आपको अब देखने को मिल रहा है। और एक और चीज यहां पर कहूंगा कि एवरीथिंग इज डिजाइंड बाय द प्लैनेट्स ओनली, हर एक चीज ग्रहों ने पहले से डिजाइन करी हुई है और इसीलिए तो जब हम उसे कैलकुलेट करते हैं, जब हम उसे पढ़ते हैं और वही चीज जब आती है तो किस तरह से चीजें मैच कर जाती है, ये बिल्कुल क्लियर है कि बच्चों को परेशानी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये ग्रहों की कैलकुलेशंस कह रही थी जो मैंने समय से पहले आप सभी को बता दी थी, उसे आप जाकर के देख सकते हैं, क्योंकि जिस जिसने वो वीडियो देखा था उसने मुझे मैसेज कर दिया कि सर बॉम्ब ब्लास्ट की न्यूज आ गई और उसके बाद ही मुझे पता चला कि इस तरह की न्यूज आई है। तो ये चीज बिल्कुल क्लियर है कि इक्वेशंस जो हो रही है, जो समय में घट रहा है, वो ग्रहों की वजह से ही घट रहा है। अब राहु और मंगल का अंगारक योग जो है वो अभी भी बना हुआ है और वो अभी और ज्यादा पावरफुल होता हुआ नजर आ रहा है। राहु और मंगल के अंगारक योग की वजह से देश और दुनिया में विस्फोटक घटनाएं होने के चांसेस तो काफी ज्यादा बनते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि विस्फोटक घटनाएं नहीं होंगी, बिल्कुल होने के चांसेस बनते हैं। मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है कि जब तक राहु और मंगल का योग बना रहेगा, आग की घटनाएं या आतंकवादी घटनाएं बनी रहेगी, इस तरह के योग यहां पर दिखाई देते हैं। और ऐसी परिस्थिति में जब इस तरह की न्यूज आ जाए तो पैनिक होना बिल्कुल स्वाभाविक है और मई का महीना बार बार पैनिक वाली सिचुएशन लेकर के आएगा, ये भी बिल्कुल क्लियर तरीके से हमें पता है। 10 दिन जो है, शुरुआत के 10 दिन
एक तारीख से लेकर के 10 तारीख तक का जो समय है ये बच्चों के लिए विशेषकर नुकसान देने वाला समय है। मैंने इस वीडियो में भी कहा था कि अपने बच्चों का पूरा पूरा ध्यान रखिए और आसपास की जगहों का पूरा पूरा ध्यान रखिए, कहीं कुछ ऐसा ना हो जिससे कि आपको नुकसान हो जाए, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। तो ये चीज बिल्कुल क्लियर है कि जब तक देवगुरु बृहस्पति स्टेबल ना हो जाए, जब तक देवगुरु बृहस्पति के साथ साथ बुध देव स्टेबल ना हो जाए और जब तक मंगल राहु अपने आप को बैलेंस ना कर ले, तब तक इस तरह की परिस्थिति जो है वो देखने को मिलेगी ही मिलेगी। ये योग तो बहुत क्लियर दिखाई देते हैं। मंगल राहु के योग का एक और एग्जाम्पल अगर आपने नहीं देखा हो तो आप जाकर के देख लीजिए। इंडोनेशिया में 14 डेज से, पिछले 14 दिनों से ज्वालामुखी विस्फोट बैक टू बैक देखने को मिल रहे हैं और कई हजार लोगों को वहां पर नुकसान हो रहा है। और ये ज्वालामुखी अभी ही क्यों धधक रहे हैं, बैक टू बैक आग की घटनाएं इंटेंसिटी के साथ क्यों हो रही है, क्यों जमीन में अचानक से खड्डे हो रहे हैं, जमीन अंदर धस रही है और क्यों हर एक एंगल पे कोई ना कोई ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है जो विस्फोटक घटनाओं को जन्म देती है। इसके पीछे मंगल राहु का बहुत प्रबल योग यहां पर चल रहा है। और ऐसे में मंगल की अगर हम आज सिचुएशन देखें तो मंगल बहुत ही ज्यादा उग्र स्थिति में बैठे हुए हैं और मंगल जब तक उग्र बैठे रहेंगे तब तक चीजें जो है वो खराब होते हुए नजर आएंगी। बच्चों की जो परेशानी है, बच्चों में जो किसी भी तरह की नेगेटिविटी का जो प्रभाव देखने को मिलेगा, ये फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ में ही देखने को मिलेगा और खासकर शुरू के 10 दिन में ही देखने को मिलेगा। इसके बाद बच्चों को ज्यादा कोई परेशानी नहीं आएगी, बाद का समय बच्चों के लिए तो अच्छा है, परंतु पूरे महीने किसी न किसी तरह की विस्फोटक घटनाएं हमें जरूर देखने को मिलेगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। कुछ और घटनाएं जो मैं आपको बता दूं जिसकी कैलकुलेशंस मैंने करी हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि कोई केमिकल ब्लास्ट हो जाना, किसी तरह के केमिकल एक्सप्लोजन का देखना यहां पर देखा जा सकता है, या फिर सिलेंडर का विस्फोट होना और या फिर किसी भी तरह की आग का अचानक से भड़क उठना और गाड़ियों का विस्फोट होना भी यहां पर बहुत क्लियरली देखा जा सकता है। इसी वजह से बार बार कहूंगा कि बच्चों को गाड़ी ना दे समय में, आने वाले 10 से 12 दिन 13 दिन तो पूरी तरह से सावधानी रखें, बच्चों को किसी भी तरह से गाड़ी चलाने ना दे या एडवेंचरस ड्राइव से बहुत दूर रखें, इस बात का ध्यान रखिएगा, नहीं तो बड़ा नुकसान हो सकता है, एक्सीडेंटल योग यहां पर दिखाई देते हैं, तो थोड़ी सी सावधानी जरूरी है। इसी के साथ साथ एक और चीज यहां पर मेंशन कर रहा हूं कि इस पूरे समय के दौरान में, ये पूरा जो मई का महीना रहेगा, इस पूरे मई के महीने के दौरान में राहु डेफिनेटली प्रबल होता हुआ नजर आएगा। देखिए, मैं हमने पहले भी कहा था कि मंगल संवत के राजा हैं और संवत की शुरुआत को भी एक महीना भी पूरा नहीं हुआ है और मंगल का प्रभाव राहु के पॉइंट से ज्यादा देखने को मिल रहा है। आप समझिए कि खेल सारा राहु खेल रहा है, करने वाला सारा राहु है, करता धरता जो है वो राहु है, दिख ऐसा रहा है कि मंगल कर रहा है बट इंटेंसिटी को बढ़ाने का काम सिर्फ और सिर्फ राहु कर सकता है, उसके अलावा और कोई भी नहीं कर सकता। सो जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा ये घटनाक्रम एक के बाद एक होते हुए नजर आएंगे। मई के महीने की तो अभी सिर्फ शुरुआत हुई है और एक ही दिन निकला है, 29 दिन का पीरियड अभी और भी बाकी है, 30 दिनों का पीरियड अभी और भी बाकी है और ऐसे में आप सभी को संभल कर रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। बात कर लेते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो आप सभी ने पूछा था कि क्या वाकई में स्कूल में कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो सकता है या हमारे देश में किसी तरह का कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो सकता है और क्या बच्चों को परेशानी रहेगी या नहीं रहेगी। देखिए, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया आप सभी को कि शुरुआत के 10 दिन जो है वो थोड़े से खराब है, बट एक चीज मैं बहुत ज्यादा क्लियर तरीके से कह सकता हूं कि जिस तरह की गणनाएं मैंने करी है और जिस तरह की कैलकुलेशंस मैंने देखी है, बच्चों को कोई बहुत ज्यादा बड़ी परेशानी नहीं होगी। मतलब कि बॉम्ब ब्लास्ट स्कूल में होने के चांसेस मुझे नहीं दिखाई देते या ऐसा कोई बॉम्ब ब्लास्ट जिससे बच्चों को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाए, तो इस तरह के योग यहां पर नहीं बन रहे। पैनिक वाली सिचुएशन जरूर रहेगी, असुरक्षित रहने वाली भावनाएं जरूर रहेगी, बट मैं फिर भी कह सकता हूं कि यह समय हम निकाल देंगे आराम से और कोई बहुत बड़ा प्रभाव इस समय का देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा हमारे देश में क्या कहीं कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो सकता है, तो देखिए विस्फोटक घटनाओं की इंटेंसिटी बनी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसको नकारा नहीं जा सकता,
और जैसे मैंने कहा विस्फोटक घटनाओं की इंटेंसिटी हमारे देश में बनी हुई है, इस वजह से मैं बॉम्ब ब्लास्ट तो स्पेसिफिकली नहीं कहूंगा बट ये जरूर कहूंगा कि कोई न कोई विस्फोटक घटनाएं हमारे देश में जरूर रहेगी जो कि पैनिक क्रिएट करने वाली रहेगी और जो नुकसान देने वाली रहेगी और इससे इनकार नहीं किया जा सकता। बट यस, किसी न किसी देश में आतंकवादी घटनाएं होने के चांसेस काफी ज्यादा दिखाई देते हैं। इसके ऊपर मैं और कैलकुलेशन कर रहा हूं, समय बहुत लगता है इन कैलकुलेशंस में और समय के साथ में और कैलकुलेशन करके आप सभी को एक्सप्लेन करने का प्रयास जरूर करूंगा। कुछ पॉइंट्स अगर आप दिमाग में रखेंगे तो आप बच पाएंगे, अपने आप को रिलैक्स रख पाएंगे। पहली चीज, नकारात्मक चीजों से अपने आप को दूर रखिए। दूसरी चीज, एडवेंचरस चीजों से अपने आप को दूर रखिए। ट्रैवल करते समय बहुत ज्यादा सावधानी रखिए, पूरी सावधानी के साथ ट्रैवल करें। बच्चों का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा शुरुआत के 10 दिन, उसके बाद क्या और किसका ध्यान रखना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। और साथ ही साथ बच्चों की एजुकेशन को लेकर के भी कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने हैं तो वो ले लीजिएगा ताकि कोई नुकसान ना देखने को मिले, इस बात का ध्यान रखिएगा। अदरवाइज ये महीना और ये समय जो है ये डेफिनेटली थोड़ा सा परेशान करेगा। आपके बच्चे को अगर कोई बीमारी है तो थोड़ा सा सचेत रहें, सही डॉक्टर को दिखाने की कोशिश करें और इलाज करने से पहले थोड़ा सा जानकारी लेने की किस चीज का इलाज और क्यों अभी जरूरी है, इस बात का भी पूरी तरह से ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने अपने बच्चों का पूरा पूरा ध्यान रखेंगे और इस समय को आराम से निकालने की कोशिश जरूर करेंगे। इसके अलावा अगर कोई भी डाउट आता है, कोई भी सवाल आता है, कोई भी चीज आती है आपके दिमाग में, आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूं। धन्यवाद।